फ्लिपकार्ट का आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स की। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकल टूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो मैथ्स का पार्ट है। देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके बच्चों को क्या हो, समझ ना आ रहा हो। ना आने की वजह है क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये क्या है, जस्ट ये चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में जब हमें फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिजिक्स में हम ये चीजें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर हम अभी से इनको पढ़ लेंगे तो वहां पर हमें डाउट नहीं होगा कि हमने ये चीज की तो कहां से की, क्यों की, ठीक है। तो मैं पहले से अभी आपको मैथमेटिकल टूल इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप जो आगे आने वाले डेरिवेशन या जो भी हम पढ़ेंगे उसमें अगर हम ये चीजें यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन आपको बताने का तरीका इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको जब हम आगे यूज करें तो आपको क्लियर रहे कि हम कैलकुलस यूज क्यों करते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। एक दो और नई चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंटीग्रेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली क्या है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, मतलब ठीक उसका उल्टा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज मैंने कोई फंक्शन लिया, सपोज कोई फंक्शन लिया मैंने fx, ठीक है, fx क्या ले लिया मैंने, कोई क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। इसको मैंने क्या कर दिया, x के टर्म्स में क्या कर दिया, x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट dfx अपॉन dx। और सपोज मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली, ये आ गया आपका f डैश x आ गया, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसको क्या लिख दिया मैंने, f डैश x। अब देखिए मुझे यहां से अगर मुझे क्या कर, अब अभी तो मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, रिड्यूस किया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे क्या कर सकता हूं, इस चीज को भी इस फॉर्मूले से कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको dx के साथ भेज दूं, ठीक है, इसको मैं अगर इसके साथ भेज दूं तो जो fx की वैल्यू होगी, जो fx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ, ये क्या है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये अगर यहां से मैं क्या निकालू, fx निकालू, तो fx क्या हो जाएगा, dx इसके साथ चले जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, fx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, f डैश x इनटू, समझ रहे ना, क्या किया मैंने, मेरे पास कोई फंक्शन था एफ एक्स, उसको मैंने x के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो उसकी वैल्यू मैंने सपोज मानी क्या है, f(x). अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, इस fx की जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था उसकी भी वैल्यू क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां से fx निकाला, तो जब fx निकालूंगा, fx का मतलब है पूरा फंक्शन, तो जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन f(x) into dx, ठीक है। तो ये इसके क्या किया हमने, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कहेंगे अब, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जिसको मैंने डिफरेंशिएट करके जो मुझे मिला हुआ था f(x), छोटा पार्ट जो मिला हुआ था, रिड्यूस वाली जो वैल्यू हुई थी, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे जो पहले जिस चीज को मैंने रिड्यूस किया था वही वैल्यू क्या मिल जाएगी, वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जो बेसिकली देखिए आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई जाएंगी जो यूज हो रही है बेसिक, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक आपको बता रहा हूं, ठीक। अगर जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जनरल फॉर्मूला वो होता है दैट अगर मेरे पास कोई x की पावर n है, x की पावर क्या है, मेरे पास कोई फंक्शन है x की पावर n है, इसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n into dx, ठीक। और जो इसका इंटीग्रेशन हुआ वो क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से देखना है, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, एड वन। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है, अगर x पावर n का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में
dx के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करो डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, जनरल फॉर्मूला डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है देखिए, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है दैट इज सपोज कोई मेरे पास क्या था y था, ठीक है, इस y को मैंने क्या कर दिया, कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो सपोज वो आ गया y डैश और उस y डैश क्या लिखता हूं मैं dy / dx, और यहां पे सपोज मेरे पास कोई फंक्शन था y = x की पावर n, ठीक है, तो उसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया इंटीग्रेट किया इसके टर्म में तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, c इज कांस्टेंट। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसको ना देखिए, अगर मैं dy = x की पावर n दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दैट dy / dx इज इक्वल्स टू क्या n into x की पावर n माइनस 1, ये इसका जनरल फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये किसका जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसको हम क्या कर रहे हैं फंक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं और इसको हम फंक्शन को बढ़ा रहे हैं आप कह सकते हैं, जैसे समझिए मेरे पास y = x की पावर 3, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy / dx क्या आ गया 3x स्क्वायर, पावर क्या हो गई कम, लेकिन सेम चीज अगर मेरे पास यहां पर क्या है y की वैल्यू क्या है x की पावर 3, सेम चीज है क्या है y = x की पावर 3, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो उसको वैल्यू क्या लिखेंगे x पावर 3 * dx दैट इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1, n की जगह क्या है यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब देखिए यहां पे पावर क्या थी 3, अब पावर क्या हो गई है 4, तो यहां पे पावर क्या हो रही है बढ़ रही है, तो यहां पे फंक्शन बढ़ रहा है और यहां पे फंक्शन क्या हो रहा है रिड्यूस, तो लगाइए हेडिंग इंटीग्रेशन, और उसमें आप ये लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, बेसिकली इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, ठीक, कैसे समझेंगे, सपोज मेरे पास क्या है कोई ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है सपोज दैट इज fx, अब fx का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव का मतलब है हम क्या करते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो सपोज इसका जो डेरिवेटिव वो क्या रहेगा दैट इज डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको मैंने क्या कर दिया एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है, इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, मतलब इस एफ डैश एक्स की हेल्प से, इस डेरिवेटिव की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं ये फंक्शन निकालता हूं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। तो कैसे देखिए, यहां पे देखिए अब मुझे क्या निकालना है फंक्शन निकालना है, तो यहां पे जो एफ एक्स होगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, ये किसका साइन है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, और आगे क्या लिखेंगे हम उसको एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, सो दिस इज फॉर इंटीग्रेशन। अगर बात करूं जनरल फॉर्मूले की तो अभी आपको मैंने बताया सपोज मेरे पास कोई फंक्शन था दैट इज एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दैट इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी इज नोन एज कॉन्स्टेंट, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जो n की वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव वन नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होएगा n की वैल्यू इज नेवर दैट n की जो वैल्यू होगी कभी भी माइनस वन नहीं होगी, तब ये जनरल फॉर्मूला इसका क्या करेगा काम करेगा। तो बेसिकली आपने क्या देखना है जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा किसका इंटीग्रेशन का, वो क्या है अगर कोई फंक्शन मेरे पास था x पावर n उसको मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो दैट इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिर्फ कुछ इसमें बहुत बेसिकली इसमें देखा जाए तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा रूल्स है, 12th में पूरी आधी बुक इंटीग्रेशन से भरी गई,
तो सिर्फ आपको बेसिक रूल बताऊंगा जो आपके यहाँ पर क्या होने यूज होने। तो चलिए पहले रूल की बात करें। ठीक, फर्स्ट अगर मेरे पास कोई क्या है, जैसे मेरे पास सपोज डीएक्स है, ठीक है, डीएक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमेशा क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस सी। अब कैसे समझे इसको, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन है। और अगर मैं बात करूं इसको, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो एक्स की पावर जीरो इंटू डीएक्स, ठीक, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, या एक्स पावर जीरो प्लस वन मतलब एक्स पावर वन अपॉन वन, तो क्या आ गया, एक्स प्लस। तो अगर कोई भी चीज मेरे पास क्या दे रखी है, जैसे डीएक्स दे रखा है, डीवाई दे रखा है, डीजेड दे रखा है, तो उसका जो इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, जैसे डीएक्स का क्या होगा, एक्स होगा, डीवाई का क्या होगा, वाई होगा, डीजेड का क्या होगा, जेड। दैट इज अगर कोई भी दे रखा है वन अपॉन एक्स डीएक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, लॉग एक्स के बराबर प्लस लॉग एक्स, लॉग होता ही है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा लॉग के बारे में। तो वन अपॉन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू द लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस एक्स। इसको वन अपॉन एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स पावर माइनस वन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, वन अपॉन एक्स को लिख सकता हूँ, एक्स पावर माइनस वन भी लिख सकता हूँ, ओके। थर्ड रूल की बात करो साइन और कॉस की, सिर्फ साइन कॉस को लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो साइन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल टू होगा माइनस कॉस एक्स के, ठीक। और नंबर फोर की बात करूं, अगर कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा उसके बराबर होगा साइन एक्स के बराबर, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, यहां पर ठीक उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स। लास्ट में आपको मैं सारे जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप क्या करें उसको एक नोट कर लें, ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको वो मैं एक सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा उसमें। तो दीज आर सम बेसिक रूल्स विच वी विल यूज इन फिजिक्स बेसिकली, ओके, फिजिक्स में ही यूज करेंगे आप, बाकी मैथ्स में तो बहुत ज्यादा डीपली जाएगा, हो सकता है केमिस्ट्री में भी आप इनको यूज कर लें, ठीक। तो अब थोड़ा इनके बारे में हम क्या कर लें, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं जितने मैंने लॉ पढ़े सबको एक साथ ही मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ कैसे आप हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है, इसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। अब देखिए सब अलग अलग पार्ट में, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ हुआ, बाकी ये तीनों के साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर टू, एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन प्लस वन टू प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टू प्लस वन माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा किसी भी, और वन अपॉन एक्स का क्या होता था, लॉग एक्स, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, लॉग एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट एड हो जाएगा इसमें, दैट इज सी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, होगा एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब वही इंटीग्रेशन से है, तो डिफाइनाइट दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, व्हेन इंटीग्रल इज डेफिनेट डिफाइंड बिटवीन टू डेफिनेट लिमिट्स ए एंड बी। अब हमें क्या दे रही है, यहाँ पे लिमिट दे दी ए है और एक बी, अब इंटीग्रेशन को लिमिट में क्या कर दिया हमने, डिफाइन कर दिया, तो ऐसे लिमिट ऐसे इंटीग्रल को क्या करते हैं हम, डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये यूज होता है, तो समझने की कोशिश करिए, इसमें कुछ नहीं है, बस लिमिट दे दी है, कैसे समझिए, मेरे पास कोई फंक्शन था एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन था मेरे पास, क्या था, एफ एक्स है। अब इस एफ एक्स को मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन
इंटीग्रेट क्या करना है, मुझे क्या दे दिया इसको दो लिमिट के बीच क्या करना है, मैंने इंटीग्रेट करना है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, दिस इज ए टू बी, ठीक है। जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, और जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, लोअर, ठीक है। तो कोई लिमिट दे दी, दैट इज ए टू बी इन टू एफ एक्स। लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स। अब सपोज जो एफ एक्स था उसका जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, मैंने बोल दिया सपोज वो क्या था, फाइव, एक सिंबल है फाइव होता है सिंबल, वो क्या था फाइव एक्स था, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, ओके। इसको जो मैंने सॉल्व किया सपोज, जस्ट इमेजिन एफ एक्स को मैंने सब क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो मुझे अलग फंक्शन मिला, वो क्या मिला मुझे, फाइव एक्स, ठीक। तो फाइव एक्स को लिखने का तरीका क्या है, फाइव एक्स लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा इसके बाद, लिमिट लिखूंगा दैट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब जब इस लिमिट को इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो वो हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइव। अब फंक्शन एक्स की जगह क्या लूंगा एक बार, बी अपर लिमिट फाइव बी माइनस फाइव, और एक्स की जगह क्या लूंगा ए लूंगा, तो क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब क्या है, जो भी मैंने क्या कर रखा है इंटीग्रेट करके मुझे मिला हुआ है, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, लेट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। जो लिमिट यहां पे बेसिकली है, मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन है अंडर रूट एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, और जो मुझे लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 से 4 तक की क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, कोशिश करें आपको जो भी दिया है उसको एक्स पावर 1/2 एक्स पावर में लिखने का, तो अंडर रूट का मतलब एक्स पावर 1/2 इनटू डीएक्स। अब यहां पे फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या लगेगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन व्हाट, एन प्लस 1, ठीक है। और बाकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी रहेगी यहां पर, वो क्या रहेगी, दैट इज 1 से लेके 4 तक। फिर आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, x की पावर 2 1 जे 2 1 प्लस 2 3, x की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 2 और दैट इज 3 अपॉन, फिर लिमिट क्या रहेगी 1 2 4। इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 अपॉन 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, x की पावर 3 बाय और लिमिट क्या 1 से लेके 4। अब देखिए फंक्शन आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया, फाइव जैसे मैंने निकाला था वहां पर ये आ गया। अब यहां आ गया तो एट लास्ट मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, ठीक। तो 2 अपॉन 3 तो क्या थे, कॉमन है ऑलरेडी, तो यहां पे क्या प्रूफ कर लगा दूंगा मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 एक्स की 4 रख दूंगा की पावर 3 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट दैट 1 की पावर 3 बाय, ठीक। 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 रहा, अब 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 की पावर भी क्या है 3 बाय 2, तो 2 इंटू 3 बाय 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 की पावर कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 ही होगी, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक। तो ये क्या आ गया 2 अपॉन 3 तो यही रहा, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 माइनस 1 या 2 अपॉन 3 इंटू 7, या इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 7 इंटू 14 14 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगी इस पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, पहले आपने प्रॉपर क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, लास्ट में जो आपके पास फंक्शन बचता है या जो भी वैल्यू बचती है उसमें आपने क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जगह पे बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, यूज होने वाला। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ दैट वी आर यूजिंग, दैट इज लॉगरिथम। ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है ना डिफरेंशिएशन का पार्ट है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला था कि वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम होते क्या है, लॉग बेसिकली होता क्या है, तो मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथम की। तो देखिए सपोज मेरे पास क्या है 81 है,
81 है, 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 4। ठीक, अब मुझसे पूछा जाएगा भैया कि इसमें लॉग है क्या, तो लॉग का मतलब क्या है, जो इसमें लॉग लिखते हैं बेसिकली हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। लॉग का मतलब क्या है कि 81 को मैं बेस क्या है, बेस 3, 81 को मैं बेस जिसका बेस क्या हो 3 हो उसकी पावर में कितना लिख सकता हूं, समझ रहे क्या, कि जो 81 है मेरे पास उसको मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 4। अब मैं बोलूं कि जो लॉग होगा 81 का जिसका बेस होगा क्या 3, उसका जो लॉग होगा 81, लॉग 81 की जो वैल्यू होगी उसको लिखने का तरीका ये है, लॉग बेस क्या है यहां पर, दिस इज बेस 3, बेस पे लॉग 3 बेस पे जो 81 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू 4। इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम या बेसिकली लॉग। तो समझ रहे हैं आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 81 का जो लॉगरिथम होगा, बेस क्या है जिसका बेस कितना होगा 3, वो क्या होगा 4, मतलब 81 को मैं 3 की पावर में कितना लिखूं, 3 की पावर में कितना लिखूं वो 81 का क्या कहलाएगा, लॉगरिथम कहलाएगा, बेसिकली क्या कहलाएगा, लॉग कहलाएगा। अगर एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे 1000 है, 1000 को क्या लिखता हूं मैं, 10 × 10 × 10 10 की पावर 3, तो मतलब क्या, मैं लॉग निकालूंगा, लॉग क्या, लॉग किसका, 1000 का, किसके बेस पे, यहां पे बेस क्या है 10, 10 के बेस पे क्या होगा बताओ, 10 के बेस पे क्या होगा, पावर कितनी है 3, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1000 जिसका बेस क्या है 10 है, उसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। या अगर एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे a की पावर 0 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1, a की पावर 0 किसकी पावर क्या होती है 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो द वैल्यू ऑफ लॉग 1 और बेस क्या है इसका a, a बेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो इसको क्या कहेंगे लॉगरिथम ऑफ 1 जिसका बेस क्या है a है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू 0। या एक अगर फिर भी नहीं समझे तो एक और चीज बता रहा हूं, जैसे a है, a को क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 1, a का मतलब है सिंगल a है, तो इसकी पावर इज इक्वल्स टू a की पावर 1, तो अगर इसका लॉग निकाल दो, लॉग a की वैल्यू कितनी होगी, बेस क्या लूंगा a, लॉग a बेस पे a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाएगा, लॉग। इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होते हैं, दैट इज एक बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसे मेरे को दे रखा है लॉग a बेस पे m into n है, कोई चीज लॉग a बेस पे m into n है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज लॉग a बेस पे m प्लस लॉग a बेस पे n, या अगर कहीं सपोज डिवीजन में दे रखा लॉग a बेस पे m upon n, तो उसको क्या लिख देता हूं मैं, लॉग a बेस पे m माइनस लॉग ए बेस पे। तो ये क्या है, दो जनरल फॉर्मूले हैं जो काफी जगह क्या होंगे यूज। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन मैं खा ले चलता हूं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में ले चलता हूं, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज 1 अपॉन x * dx 2 अपॉन 3 मेरे क्या क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी, कैसे करूंगा, देखिए 2 2 3 1 अपॉन x * dx 1 अपॉन x का कितना होता था log x, लिमिट क्या लग जाएगी 2 3, क्या लिख सकता हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 3 माइनस log 2, और log m माइनस n, log n का फॉर्मूला क्या होता है log m अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दीस तो हमने डिस्कस किए एजुकेशन के बारे में, थोड़ा डिस्कस किया हमने, किया थोड़ा लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया, तो इससे पहले जो वीडियो बताई हमने किसके बारे में बताई, डिफरेंशिएशन के बारे में बताई, और बाकी कुछ जो बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी 10th में आप पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे पहले जो भी वीडियो है वो पसंद आई होगी। सपोज किसी को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, तो 2-3 बार अगर लगातार आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आएगा। अब देखिए कुछ अलग सी और कुछ नई सी चीज है, ठीक,
तो उसको सीखने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, आप ये भी ना सोचे कि सिलेबस में नहीं है, फिर सर क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और आगे जाके बहुत सारा इसका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करें, ठीक, चैनल को शेयर करें और